दोस्तों नमस्कार। इस समय हम हैं भाई बागेश्वर धाम, जहां पर 156 कन्या विवाह का जो सम्मेलन और यहां पर करा। दोस्तों ये जो जनसलाब आप देख रहे हैं, ये किसी फिल्म स्टार या किसी नेता यहां पर नहीं आए हुए, न किसी नेता द्वारा किसी सम्मेलन कराया जा रहा है यहां पर। तो ये जो सम्मेलन आप देख पा रहे हैं, जो जनसलाब देख पा रहे हैं, ये बागेश्वर धाम हमारे गुरु महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भाई महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 156 गरीब कन्या विवाह कराने का उन्होंने बेड़ा उठाया। तो ये जो जनसलाब आप देख पा रहे हैं, ये उसी का नजारा, उसी का ये झलक जो आप देख पा रहे हैं। तो आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जय श्री बागेश्वर धाम लिखिएगा और कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि ऐसे नजारा, ऐसे भीड़ आपने कहीं इस तरीके के देखा है। और लगभग 10 लाख लोग एकत्रित होने वाले हैं आज की ये कार्यक्रम में, जो जनसलाब आप देख पा रहे हैं। तो ये बागेश्वर धाम पर जो 156 गरीब कन्या विवाह यहाँ गुरु महाराज जी द्वारा संपन्न कराए जा रहे हैं, आप लोग कम से कम उस कन्याओं के लिए, जो गरीब कन्या विवाह जिसके माता नहीं है, पिता नहीं है, ऐसे कई कन्या ऐसी है जो अपंग है, ऐसे कन्याओं को विदा कर रहे हैं। पूरा दान 156 मोटरसाइकिल तक की व्यवस्था इन्होंने किया। जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे भेजते रहिए। दोस्तों ऐसे वीडियो जब मैं शूट कर रहा था, काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ा, क्योंकि ऐसे भीड़ में आगे बढ़ना, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए स्टेज की ओर, जो स्टेज देख पा रहे, लंबा स्टेज जो देख पा रहे, तो हम आगे बढ़ते गए, कई बाधाएं आए, कई लोगों को परेशानी भी उठाने पड़े, तो हम परेशानियों के बीच को फाड़ते हुए आगे चले गए और आपको ये लाइव कवरेज दिखाई जा रही है, जो बागेश्वर धाम पर 156 गरीब कन्या विवाह एक साथ जयमाला कार्यक्रम, एक साथ वरमाला कार्यक्रम होगा यहाँ पर। और इसी जो स्टेज बना हुआ है, इस स्टेज पर भारत की बहुत ही जाने माने महंत संत और हमारे एमपी के सीएम मोहन यादव जी तक यहाँ पर आए। तो मैं इस मंच को दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत मुझे हुई, लोगों ने रोकने का प्रयास किया, सेवादारों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं रुका, मैं डटता रहा, डट के फिर आगे बढ़ता गया। मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से मैं आगे बढ़ता गया। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी, ज्यादा भीड़ के कारण आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, किसी भी चैनल वाले को, किसी भी मीडिया को, किसी भी वही चैनल। आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर बागेश्वर धाम, हम लोग आगे पहुँच चुके हैं और दिखाएंगे आपको ये नजारा, क्योंकि आप लोग देख पा रहे भाई ये जनसलाब, ये भीड़ जो गुरु महाराज जी यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा आगे दिखाओ, साधु जी। तो दोस्तों यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए स्टेज की ओर, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इतना ही बैरिकेडिंग आपको सामने नजर आ रही। आप देख पा रहे भाई यहाँ पर भी भाई ये रेलिंग लगा दिया गया, क्योंकि रेलिंग की उस तरफ आप नहीं जा सकते हो, तो मैं प्रयास करूंगा रेलिंग के अंदर जाने के लिए। सेवादारों से हम बातचीत करते हुए, सेवादारों ने की हालांकि रोकने का प्रयास किया, लेकिन बहुत ही अच्छे सेवादार वहाँ का बागेश्वर धाम के, जब हमारे बताने पर उन्होंने कहा कि ठीक आप जाइए आगे शूट कर सकते हो। तो हम आगे चले गए, स्टेज के ऊपर गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, जो कि आप लोग देखेंगे। और इस मंच का मैं आप लोगों को यह नजारा जो दिखा रहा हूं कि 156 गरीब कन्या और दूल्हा बैठे हुए हैं, आप सामने नजर आ रहे, ये दूल्हा और दुल्हन एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ जयमाला करेंगे और यही से दोस्तों उनका शादी इन सबकी उपयोग करते हुए जीवन को धार्मिक स्तर पे आगे ले जाने के लिए हम लोग साइड में पहुंचे। बैरिकेडिंग को पार करते हुए दोस्तों हम पहुंच गए, आप लोग देख पा रहे हैं स्टेज थोड़ी ही दूर रह गए थे, उससे आगे हम पहुंच गए। और आप लोग देखेंगे इस वीडियो में क्या क्या मैं शूट करता हूं और आने वाले जो भी वीडियो, अभी जो हम अभी यहां पर है, जो हमारे गुरु महाराज 156 कन्या विवाह यहां पर जो
शिवरात्रि के पावन पर्वों पर कराए जा रहे, देख पा रहे 156 कन्या वहाँ पर बैठी हुई है। थोड़ा दिखाओ, ये बागेश्वर धाम हमारे गुरु महाराज जी ने इस बार से 2024 में इतना व्यवस्था उन्होंने किया कि 56 बेटियों के लिए मोटरसाइकिल से लेकर उनका गृहस्थी का जो भी सामान है सभी कुछ उपलब्ध कराया। यहाँ पर देख पा रहे भाई, हम लोग यहाँ पर मौजूद है और इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप लोगों को भी कृतज्ञ कराना चाहते हैं। जय श्री बागेश्वर धाम, जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा जरूर बोलिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा भीड़ का सामना करते हुए स्टेज की करीब पहुंच गए गुरु महाराज जी, सामने बैठे हुए हैं। वीडियो को देखना और लाइक शेयर फॉलो के साथ जय श्री बागेश्वर धाम और ऐसे कार्यक्रम गुरु जी महाराज जी और कर सके इसके लिए